सो दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द पर्सनैलिटी टाइप्स। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड है ईगो। ईगो क्या होता है? अपने ऊपर घमंड होना या अपने बारे में बहुत अच्छी ओपिनियन रखना, गुड ओपिनियन दैट यू हैव ऑफ योर सेल्फ। तो अपने बारे में उच्च विचार या अहंकार, घमंड, ऐसे बोलते हैं ईगो। इट वॉज अ ब्लो टू हर ईगो वेन शी लॉस्ट हर जॉब। मतलब कभी कुछ ऐसा हो जाता है लाइफ में, जैसे जॉब चली गई किसी की, बहुत अहंकार था तो उसका अहंकार क्या हुआ, चकनाचूर हो गया। तो ईगो का मतलब होता है अहंकार, अपने बारे में उच्च विचार। एक होता है वर्ड सुपर ईगो। सुपर ईगो आपको क्या बताता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो सुपर ईगो टेल यू अबाउट द राइट एंड रॉन्ग। सो इट इज़ कंपोनेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, प्रोवाइड्स अ मॉरल स्टैंडर्ड बाई विच ईगो ऑपरेट्स। क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या बताता है हमारा सुपर ईगो। फिर एक और वर्ड होता है एल्टर ईगो, द सेकेंड डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये होता है एल्टर ईगो। तो ईगो हमने देख लिया घमंड, सुपर ईगो हमें देख लिया जो हमारा ही अस्तित्व, जो हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है। फिर होता है एल्टर ईगो, आपका ही डिफरेंट वर्जन, सेकेंड सेल्फ वर्जन और डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ये किससे बोलेंगे एल्टर ईगो। जैसे इसी बंदी के दो वर्जन है, तो ये इसका क्या हुआ एल्टर ईगो, या ये इसका हुआ एल्टर ईगो। जैसे कोई आपका फ्रेंड है, जैसे आपके जैसे विचार हैं उसके, आप उसको बोल दो ही इज माई एल्टर ईगो। सो वी हैव सीन द वर्ड ईगो। सो ईगो का मतलब होता है अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस समझना, सेल्फ वर्थ, प्राइड, सेल्फ एस्टीम, या घमंड भी हो सकता है ईगो का मतलब। और इसके एंटी एंटोनिम्स क्या हो गए, हम्बलनेस, लैक ऑफ प्राइड, ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी। तो ये अपोजिट वर्ड होगा ईगो के। जैसे एग्जाम्पल है ही नीडेड टू बूस्ट हिज ईगो। ईगो को पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में जैसे सेल्फ इंपॉर्टेंस समझना, अपना थोड़ा ईगो होना चाहिए, सेल्फ इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, प्राइड होनी चाहिए, सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, सेल्फ वर्थ होना चाहिए। और नेगेटिव मतलब घमंड, अहंकार, वो गलत होता है। तो पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव में भी। जैसे यहाँ पर पॉजिटिवली यूज़ किया गया, ही नीडेड अ बूस्ट टू हिज ईगो। फिर एक वर्ड होता है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट क्या करता है, अपने अपने बारे में ही सोचता है कि सब कुछ मेरा ही हो। तो इसे बोलते हैं सेल्फ सीकर, सेल्फ एडमायरर, अपने बारे में ही अच्छा सोचता है, अपने ही सेल्फ एडवांसमेंट के में काम करता है, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। एंड इसका एंटोनिम है सेल्फ हिटर, सेल्फ हिटर हम्बल पर्सन। आई एम अ बिट ऑफ एन ईगोइस्ट, सो आई लाइक टू हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। सो जो ईगोइस्ट ईगोइस्ट जो पर्सन होगा हमेशा अपने आप को आगे रखेगा। तो उसका एटीट्यूड बहुत ही सिंपल होता है, हर एक चीज़ में ये पूछेगा क्या इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो अपने आप को सबसे आगे रखेगा, हर चीज़ में पूछेगा मेरा क्या फ़ायदा है। बहुत सेल्फिशनेस हो, बहुत सेल्फिश होता है, ग्रीडी, रूथलेस, अपने आप को सेल्फ एडवांसमेंट करता रहता है। तो हमेशा ही अपने आप को आगे रखता है, इसको बोलते हैं ईगोइस्ट, ईगोइस्ट। फिर एक वर्ड होता है ईगोटिस्ट। तो यहाँ पे टी आ जाता है। ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं होता, दोनों ही अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, बहुत ऊपर समझते हैं, अपने आप को ही सबसे पहले रखते हैं। लेकिन यहाँ पे टी आ जाता है, टी मतलब टॉक, ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा टॉक करता है, टॉक अबाउट एकम्प्लिशमेंट, जैसे बोलते हैं हाइट ऑफ कंसीट। तो इसके सिनोनिम है जैसे बोस्टर, ब्रैगेंट, ब्रैगार्ड, ब्रैगार्ड। और इसके एंटोनिम है एल्ट्रुइस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। एंड ही इज एन इंट्रोवर्टेड ईगोटिस्ट। ईगो मतलब अपने बारे में बातें करता रहेगा, तो ही इज एन इंट्रोवर्ट ईगोटिस्ट। तो जो ईगोइस्ट होगा अपने आप को क्या रखेगा, सबसे आगे रखेगा, हाइट ऑफ कंसीट, ये होता है हमारा ईगोटिस्ट। दिस इज वन ईगोटिस्ट, मतलब अपने बारे में बात करता रहेगा, जैसे बोलेगा कि तुम्हें पता है कि मैंने कितने पैसे कमाए, अपने ही गुणगान करता रहे, बोलेंगे ईगोटिस्ट। सो वर्ड होता है ब्रागोदोशियो, बोस्टफुल और एरोगेंट बिहेवियर। तो ये ईगोटिस्ट का बिहेवियर होता है, बोस्टफुल और एरोगेंट बिहेवियर, ब्रागोदोशियो, ब्रागोदोशियो। सो इट इज कॉल्ड एज अ ब्रैगार्ड और ब्रैगादोशियो। सो ब्रैगादोशियो मीन्स अ बोस्टफुल एंड और एरोगेंट बिहेवियर। सो ईगोइस्ट हमेशा सबसे पहले अपने आप को आगे रखेगा, फिर ईगोटिस्ट पर्सन हाइट ऑफ कंसीट, सिर्फ अपने बारे में बातें करता रहेगा। ईगोटिस्ट, टिस्ट मतलब टी मतलब टॉक, अपने बारे में, अपने अकम्पलिशमेंट के बारे में टॉक करता रहेगा, बताता रहेगा, बोस्ट करता रहेगा, दैट इज ब्रैगादोशियो। इसके लिए वर्ड बोलते हैं ब्रैगादोशियो। एंड एक और वर्ड होता है ब्रैगार्ड। एक वर्ड है ईगोसेंट्रिक, जो सोचता है मैं ही सेंटर में हूँ, सबको, सब लोग, सारे लोग मेरे लिए ही काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, ऐसे पर्सन को बोलेंगे ईगोसेंट्रिक। तो सेल्फ एब्जॉर्ब है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है। और इसका अपोजिट है एल्ट्रिस्टिक एंड सेल्फिश। व्हाट अ ईगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट इज। ईगोसेंट्रिक सिर्फ अपने बारे में सोचते, दूसरे से कोई मतलब नहीं हो, उसे पर्सन को बोलेंगे ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक मीन्स अपने आप को सेंटर में रखना और बाकी लोगों से मतलब नहीं रखना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। फिर ईगो मैनियाकल, तो इसमें बोलता है मॉर्बिडली ऑब्सेसिवली रेट इन वन सेल्फ, अपने आप में ही इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाना, सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ ओरिएंटेड, इसे बोलते हैं ईगो मैनियाकल, मतलब पागलपन की हद तक सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। और एंटोनिम हो गए डिसइंटरेस्टेड, दैट इज मैग्नेनिमस, मीन्स लिबरल, उदार, तो यह एंटोनिम हो गए। सो मिरर वर हंग इन एवरी रूम सो दैट ईगो मैनियाक कुड प्रिम्प्ट एंड एडमायर हिमसेल्फ।
सो प्रिम का मतलब क्या होता है? प्रिम का मतलब होता है स्पेंड टाइम मेकिंग माइनर एडजस्टमेंट टू वंस हेयर मेकअप एंड क्लोज. माइनर एडजस्टमेंट्स करते रहते हैं, प्रिम करते रहते हैं. आई स्पेंड आवर्स प्रिम्पिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर. अपने थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट करते रहते हैं, जब तैयार होने जाते हैं, जब किसी पार्टी में जाते हैं तो धीरे धीरे ये बाल ठीक है, ये ठीक है. आई स्पेंड आवर्स प्रिम्पिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सो ईगो से रिलेटेड वर्ड देखिए, ईगो. ईगो मीन्स घमंड भी होता है और सेल्फ प्राइड भी होता है. ईगोइस्ट जो सिर्फ अपने बारे में बात करता है, मी फर्स्ट. ईगोटिस्ट हाइट ऑफ कंसीट, सो सिर्फ अपने बारे में बात करता रहता है, टॉक, टी से टॉक. फिर ईगो सेंट्रिक जो अपने आप को सेंटर में रखता है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचता है. ईगो मैनियाक और ईगो मैनियाकल जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है पागलपन की हद तक, उसे बोलेंगे ईगो मैनियाक, ईगो मैनियाकल.